तो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। एटम्बर की तरफ से एक सीलिंग फ़ैन है जिसे आप रिमोट के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, और ये नॉर्मल सीलिंग फ़ैन नहीं है, ये हाई एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फ़ैन है। क्योंकि देखिए, इसमें एक BLDC मोटर लगा है जो सिर्फ 28 वाट्स को कंज्यूम करता है मैक्सिमम स्पीड पर। अगर आप नॉर्मल सीलिंग फ़ैन्स को कंपेयर करेंगे, नॉर्मल सीलिंग फ़ैन्स मैक्सिमम स्पीड पर 75 वाट्स के ऊपर ही कंज्यूम करते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है कितना कम आएगा, यानी कि आप 50 से 60% तक की आप एनर्जी सेविंग्स कर सकते हैं अगर आप इन फैंस को यूज़ करते हैं। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से ख़रीदा था, और मेरा जो अमेज़ॉन का स्टोर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ पर मैंने सभी BLDC फैंस का एक स्टोर बनाया हुआ है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, और अगर आपको ख़रीदना है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक सूचना देना चाहता हूँ, अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, अभी ज्वाइन कीजिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना। तो हे गाइस, मेरा नाम है महेश, और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है जब आप इस फैन को खरीदते हैं। ओके, तो आपको इस बॉक्स में मोटर वगैरह मिलने वाला है। ओके, मैं आपको आगे दिखाऊंगा ओपन करके, और यहां पर ये ब्लेड का बॉक्स है। तो चलिए बॉक्स को साइड में रख देते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, यानी कि जो कलर है कैसा दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सटेंशन रॉड है, दो कैनोपीज है, यहाँ पर एक स्मार्ट रिमोट है, और इसके साथ आपको दो बैटरीज भी मिलने वाली है, और ये शैकल सेट है, इस फिटिंग के समय में आपको काम आएगा, और ये आपका मेन मोटर है। चले मैं आपको इसका जो कवर है निकाल के दिखाता हूँ। और ये जो ब्लेड्स है ये मेटल के हैं, एल्यूमिनियम के हैं, और इनका जो कलर है मुझे बहुत ही पसंद आया, और ये जो कलर है ये सैंड ग्रे है, ये कलर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओपन करके। तो गाइस, बॉक्स के अंदर आपको इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। यहाँ पर आपको तीन ब्लेड्स देखने को मिल जाएंगे, दो कैनोपीज है, और इनका जो क्वालिटी है प्लास्टिक का बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्मार्ट रिमोट भी देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको यहाँ पर दो AAA बैटरीज को डालना है। ओके, जो कि बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। और उसके बाद आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन रॉड मिलेगा, एक साइकिल सेट मिलेगा। ओके, और एक वारंटी कार्ड भी आपको बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ब्लेड है इस तरह से है, इनका जो फिनिशिंग है बहुत ही अच्छा है, ग्लॉसी फिनिश है, और ये जो कलर है मुझे बहुत ही पसंद आया, सैंड ग्रे है इसका कलर। और ये जो मोटर है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एटम्बर की ब्रांडिंग है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाता हूँ। तो देखिएगा, इस बैक साइड में कुछ फ़ैन इस तरह से दिखता है, यहाँ पर एटम्बर की ब्रांडिंग है। ओके, और यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स दिया है इन्होंने, 1200 mm इसका ब्लेड का साइज़ है, और ये मेड इन इंडिया फ़ैन है। और यहाँ पर एक LED लाइट है अंदर, जब भी आप फ़ैन को ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक करेगी। ओके, तो आपको रिमोट को यहाँ पर शो करना है ताकि आपको जो फ़ैन है आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकें। ओके, और ये जो रिमोट है ये स्मार्ट रिमोट है, इसमें आपको स्मार्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर बूस्ट मोड है, स्पीड आप यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ पर स्लीप मोड में आप इसे डाल सकते हैं, यानी कि आपका जो फ़ैन है ऑटोमेटिकली एक एक नंबर पर कम होते जाएगा और फाइनली एक नंबर पर आकर रुक जाएगा। ओके, और यहाँ पर टाइमर मोड भी है इसमें। आपको यहाँ पर दो AAA साइज़ की बैटरीज डालनी है जो कि बॉक्स के अंदर अवेलेबल है। ओके, और आपको जो रिमोट है टेम्पोररी नहीं मिलता है, कहीं पर खो जाता है, तो आप इस फैंस को अपने मोबाइल के ज़रिए भी ऑपरेट कर सकते हैं, बट आपके पास MI का मोबाइल होना चाहिए या फिर कोई भी IR एनेबल्ड मोबाइल होगा तो आप इसे इजीली उस फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और बॉक्स के अंदर आपको एक वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल भी देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, इसे मैंने ख़रीदा था अमेज़ॉन से, और मुझे ये ₹3000 में मिला था डिस्काउंट के बाद। ओके, अगर आपको ख़रीदना है तो इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, मेरा अमेज़ॉन का जो स्टोर है इसका मैंने लिंक दिया है, अगर आप चाहें तो इस लिंक से आप परचेज़ कर सकते हैं या फिर इसका जो डिटेल्स है आप देख सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं आपको जो ये वीडियो है अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। तो गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।